नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी राजस्थान वासियों के लिए एक बार फिर से बहुत ही खास रहने वाली है। इसी के साथ में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी है। सीएम अशोक गहलोत के द्वारा अभी आपके हित में बड़ा फैसला लिया गया है। सभी जनता के लिए अब सीएम गहलोत की तरफ से 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज फ्री में दिया जाएगा। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ में आपको बता दें कि जून और जुलाई का राशन आपको फ्री मिलने वाला है। दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर सबसे पहले यहाँ पर अपडेट की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोरोना संक्रमण के दौरान खाद्य सुरक्षा चयनित परिवारों को बड़ी राहत सरकार के द्वारा दी गई है। इसके तहत जयपुर ग्रामीण में 2 माह, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जून व जुलाई में खाद्य सुरक्षा चयनित परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दोस्तों ये योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अतिरिक्त गेहूं का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसी के साथ में आप आगे भी अभी यहां पर देख सकते हैं, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के अनुसार पूर्व की भांति कीमतन दर पर उचित मूल्य दुकानों द्वारा खाद्य सुरक्षा चयनित परिवारों को रेगुलर गेहूं का वितरण भी किया जाएगा। इस प्रकार जून व जुलाई माह में प्रति व्यक्ति 10-10 किलोग्राम का वितरण ही यहां पर किया जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जून और जुलाई ये 2 महीने हैं, यहां पर प्रति व्यक्ति आपको 10-10 किलोग्राम का वितरण किया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए खाद्य विभाग द्वारा पोस मशीन से राशन वितरण की वर्तमान व्यवस्था बायोमेट्रिक सत्यापन के स्थान पर ओटीपी के माध्यम से पोस ट्रांजैक्शन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है, जब आप राशन की दुकान पर जाते हो तो बायोमेट्रिक ये मशीन है, इस पर आप यहाँ पर अंगूठा लगाते हो, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार ओटीपी भेजी जाएगी और अपने जो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी, तभी आपको राशन फ्री मिल पाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में सरकार का ये कदम खाद्य सुरक्षा चयनित परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। दोस्तों, इस प्रकार से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जब पिछली बार लॉकडाउन लागू किया गया था 2020 में, तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार की राहत सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। अब दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में बहुत दिनों से सख्त लॉकडाउन है और रोजी रोटी का जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है गरीब तबके के लोगों को। तो दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत के द्वारा ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, हर अपडेट चाहे वो किसी भी जिले से संबंधित हो, राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 जिलों में से एक जिले की भी अगर छोटी से छोटी हाईलाइट खबर आएगी तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट करवाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, तथा राजस्थान के किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में भाइयों ये भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।